जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों मेरे ब्लॉग विच तुहाडा स्वागत है। होर सुनाओ, सब ठीक ठाक है? घर परिवार असी बिल्कुल ठीक हाँ, सब कुछ ठीक है। मेरे ब्लॉग तुहानू ज़्यादा बोर तो नहीं करते, सॉरी। अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करांगी, बोर नहीं करांगी। होर सवेरे सवेरे का सारा काम खत्म हो गया है। फ्रेंड्स, मैं ना काम छड़ के कभी भी ब्लॉग नहीं बनाती, हमेशा काम खत्म करने के बाद ही ब्लॉग बनाना शुरू कर दी हाँ। इहदा इह कारण है कि घर का काम पहले ज़्यादा जरूरी है, घर का काम पहले ज़्यादा जरूरी है। कोई गैसट आ जाए, कोई आस पड़ोस का ही आ जाए तो कि कहेगा कि खलारा पा के बैठी और फोन पर लगी है, ब्लॉग बना रही है। इसके कह घर का काम पहला जरूरी है, घर की साफ सफाई जरूरी है और पूरी फैमिली का जो भी काम है ना पहला जरूरी है ना, फिर उसके बाद ब्लॉग बनानी है मैं फ्री होके। तो गाइस, आज वैसे ना असी हॉस्पिटल जाना था, दरअसल मेरा चेकअप होना था। पिछले नवंबर च ना दरअसल मैं थोड़ा मता बीमार ज़्यादा ही हो गई थी, थोड़ा मता नहीं था, लेकिन मेरी फैमिली ने मेरी बड़ी केयर की थी और अच्छे से डॉक्टर भी बहुत बढ़िया थे, अच्छी दवाई दी थी तो मैं ठीक हो गई। नहीं तो चांस नहीं लग रहे थे ठीक होने दे कोई भी। मेरी फैमिली ने मैंने बहुत मेरी यानी कि सेवा की है, तो आज मैं उन्होंने कारण ही हाँ। और मैं जाना था हॉस्पिटल, लेकिन ना सवेरे सवेरे धुंध बड़ी थी, इस करके जाना कैंसल हो गया। वैसे जाना तो है ही है, फिर भी दवाई ले आनी है, मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई है ना, तो बिना मेडिसिन तो मुश्किल हो जानी है। तो देखते हैं, थोड़ा जहा मौसम साफ हुआ तो फिर हॉस्पिटल भी जाना है। तो होर तुसी दसो, साडा तो इदां ही चलना है। और तुसी दसो, घर परिवार सब ठीक है तुहाडा? और काम कार किदां दे चल रहे हैं? कमेंट नहीं करते तुसी, कमेंट शेयर करिया करो मेरे ब्लॉग नूं, अगर कोई कमी है तो दस दिया करो। और तुसी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया? साडा तो ब्रेकफास्ट आ गया है। अज ब्रेकफास्ट में मेथी का पराठा, नींबू का अचार और चाय, साडा तो ब्रेकफास्ट हो गया। और बाकी दोपहर तो देखते हैं क्या बनाना क्या नहीं, यही काम होता पूरा दिन। मेथी का पराठा, नींबू का अचार और चाय, और अब ब्रेकफास्ट आ गया है और इधर ब्रेकफास्ट किया जा रहा है। भंडारा करना है ना? हाँ, तो आपको पैसे जितने भी इकट्ठे होंगे ना सारे, तो एक पैकेट ले लेना, ठीक है? अभी मेरे पास सच में खुला है, अगर पैकेट होता तो जरूर दे देती, ठीक है? अच्छा, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। हाँ, जय बालाजी सरकार। होते लो, एक बाबा जी बोल रहे थे रिफाइंड का पैकेट दे दो और उनको भंडारा करना है साधु संतों के लिए। तो मैंने कहा भाई पैसे तो दे दिए हैं, अभी रिफंड घर में तो है नहीं है, तो पैसे तो दिए हैं आपको, तो उन पैसों से आप एक रिफंड ले लेना। देखो लेता है कि नहीं लेता है, ये तो इसकी ईमानदारी है। वैसे अपनी तरफ से तो हमने दे दिए है। गाइस, साधु तो परमात्मा का रूप होंगे हैं ना, परमात्मा सबनों दिता है, सानू भी उन्हें दिता है, तो सानू देने लायक बनाया है, इन्ना उन्होंने बड़ी मेहरबानी है। इस करके तुहाडे द्वार पर कोई भी कोई साधु संत आए तो हमेशा उन्होंने सम्मान करना, अगर कुछ है तो दो, नहीं है तो तुहाडी मर्जी है। जय माता दी, जय श्री राम बोल के उन्हें अगे हाथ जोड़ दो, लेकिन कभी दरवाजे पर आए साधु संत किसी भिखारी का अपमान नहीं करना, गुस्से नाल नहीं बोलना, क्योंकि कोई आस लैके तुहाडे दरवाजे पर आंदा है। तो इस करके कोशिश करना कि तुसी भी उहदा सम्मान करो। परमात्मा ने सबनों अपने अपने काम दिते है, सारे अपने काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये भी रब रूप होंगे है ना, तो इन्हों का सम्मान कर। बाबू नुकसान नहीं करना। भैया मारेगा? भैया कैसे मारते हैं, कैसे मारते हैं, क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या देख रहे हो इसमें? हाँ, ए फॉर दिखाती हूँ। हाँ भैया मारेगा, बोलेगा मेरी चीज को तूने खराब किया। भैया देख पक्का देखेगा, रख देगा दोबारा? शाबाश, उठ कर खोलो। भैया मारेगा है? हाँ
भैया तो मारेगा अगर तू चीज तोड़ेगी तो। गाइस बच्चे तो प्यार ते भुखे होंगे, जिथे उन्होंने प्यार मिलता उथे ही आते हैं। तो गुल्लू मोलू जी भी बहुत प्यार करती है, मैनू आती है मेरे पास हमेशा, मम्मा मम्मा करके बुलाती है, बहुत प्यार करती है। और मेरे भी लाडो है बिल्कुल, तो आती है रौनक लगाती है फिर अपने घर चली जाती है। पड़ोस है, साढ़े पड़ोस में रहते हैं, लेकिन मैंने मेरे बच्चे की तरह है, बहुत प्यार करती है, बहुत लाड लगाती है, हूँ भी खेल रही है। सो गाइस असी दोपहर में बनाना है, हम लंच की बनाने की तैयारी हो रही है। लंच में मैं बनाने हैं काले चने, हलवा, मीठे में हलवा। और चलो लंच बनाने हैं, फिर लंच करेंगे। लो गाइस असी बनाने अज छोले, आलू और इसका मसाला असी ग्राइंड कर लिया है, कुकर रख दिता है चाढ़न वास्ते। और एक बात जरूर नोटिस करियो, ये असी जिस छोले उबाले है ना, यानी कि छोलियां धो के अच्छे से ना उबाले है, उस पानी का यूज़ जरूर तुसी सब्जी करना, ये बहुत ही अच्छे प्रोटीन होंगे हैं। और ये सब्जी बिच आ जाते, अगर असी सट देंगे न्यू पानी लगावे तो फिर वह प्रोटीन सानू मिल नहीं पाने जो छोले उबालने पर। यह पानी है जो जरूर सब्जी बिच यूज़ करो। मसाले तैयार कर ले है, रख ले निकाल के, कुकर बिच तेल पाता है। तो दोस्तों एक काम जरूर करा करो, जैसे असी छोले उबालते हैं ना पहले बनाने तो, जो दा पानी हुंदा ना उन्हें जरूर सब्जी बिच यूज़ करा करो। दरअसल छोले उबालन तो पहले अच्छे से धो के उन्हें साफ पानी बिच उबालिया करो, ताकि असी बाद बिच पानी यूज़ कर सकीए। इहदे विच बहुत अच्छे प्रोटीन होंगे न। मसाला असी बना लिया, मसाले साढ़े तैयार हो गए, कुकर असी रख दिता है, हुण असी बनाने हैं छोले। साडा मसाला तैयार हो गया है, अच्छा कलर आ गया मसाले का। हम आप पाने बिच छोले जी, छोले तैयार हो गए, मसाला भुज गया है, अच्छे से रेडी हो गए साढ़े छोले हो गए तैयार। हम असी लगाता है कुकर बंद कर, गाइस लो जी हमारा खाना तैयार हो गया है। खाने में है चने की सब्जी है, हलवा है मीठे में, और ये नींबू और अदरक का अचार। चलो देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, देखो खा के कैसा लगता है। तो गाइस आज के ब्लॉग का मैं एंड कर दिया। सो मेरा ब्लॉग तुहानू किवें दा लग्या कमेंट करके जरूर दस्यो, और मेरे ब्लॉग नू कमेंट शेयर जरूर करिया करो, सब्सक्राइब। और कोई ब्लॉग च कमी पेशी होएगी तो कमेंट करके जरूर दस्यो, मैं अगले अगे तो सुधारांगी उन्होंने। सो अपना ध्यान रखियो, मेरे वालों तुहानू राधे कृष्णा। सो बाय।